मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले जब अपने विधायकों को संबोधित किया, नेताओं को संबोधन में ये बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन कल का आप सभी को इंतजार है जब भव्य शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जाएगा। तैयारियां भव्य हैं, भगवा में पूरा का पूरा लखनऊ इस वक्त दिखाई दे रहा है। किस तरह से पूरे के पूरे शहर को पोस्टर्स, बैनर से और बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है, उसको बताते हुए हमारी यह रिपोर्ट देखिए। बात है, जिन लोगों को निर्देश होगा वो जाएंगे, शपथ लेंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी नगर। बीजेपी के समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। ऐतिहासिक मौका आया है, यूपी के बाबा, बाबा का यूपी। जो राम को लाए हैं ये उनको लाए हैं। महिलाओं में गजब का उत्साह है, वो मानती हैं कि यूपी में योगी हैं तो महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी जी के लिए यही दुआ कर रहे हैं, जो उन्होंने जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है। हम ये चाह रहे हैं कि उनके रहने से हमेशा के लिए जनता के लिए राम राज्य ही रहे, जो अभी तक भ्रष्ट बचा हुआ था वो खत्म हो जाए, और हुआ है उनके रहने से हम चाहते हैं आगे भी खत्म हो। महिलाएं बहुत निडर है, खुश है, रात के 12 बजे भी जा सकती हैं कहीं भी, बिल्कुल डर नहीं है। योगी जी की होती हुई लगते है कि वो हमारे पर रक्षा के लिए पूरे बैठे हैं, इसलिए हम बार बार योगी जी को पसंद करते हैं। तेरी सखी मंगल गावोरी नगर। महिलाएं मंगलाचरण गा रही हैं। उतरेगी कल मेरे बाबा की सवारी, उतरेगी कल मेरे बाबा की सवारी। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं। हम इस समय पर इकाना स्टेडियम के पास के एक 12 मंजिल की इमारत पर खड़े हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऊपर से, ऊंचाई से कैसा दिखता है शपथ ग्रहण समारोह का इलाका और किस तरीके से है इंतजाम। पहले ये शपथ ग्रहण समारोह का ये इकाना स्टेडियम में चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन उसके सभी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। ये जो सामने खाली इलाका देख रहे हैं, ये खाली इलाका ये पार्किंग के लिए अलॉट किया गया है। पार्किंग के लिए यहाँ पे करीब 5,000 गाड़ियों की पार्किंग का ये इंतजाम किया गया है। जो छोटे आपको ऊंचाई से डिब्बे दिखाई पड़ रहे होंगे, ये मूवेबल टॉयलेट्स हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले ड्राइवर्स के लिए इंतजाम किया गया है। ये नगर निगम की तरफ से इंतजाम किया गया है। इस तरीके से पूरी पार्किंग में ये मूवेबल टॉयलेट्स रहेंगे कल। और इसके साथ ही अगर हम आसपास के इलाके की बात करें, चूंकि पूरा इलाका हाई राइज बिल्डिंग से है, मेरे पीछे ये पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके बगल में 112 यानी पुलिस कंट्रोल रूम का दफ्तर है, मुख्यालय है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो हाई राइज बिल्डिंग है उन पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। बैठकों के दौर के बाद करीब करीब तय हो गया है कि कैसी होगी योगी की टीम। शपथ समारोह ऐतिहासिक होगा, इसलिए तैयारी पूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम सज गया है, तोरण द्वार बनाया गया है, बस कल का इंतजार है और दूसरी बार योगी की सरकार है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने हैं, जिस स्टेज पर कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह होगा, यहां से स्पीकर बोलेंगे और तैयारियां देखिए, यहां से लगातार वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरा एक भव्य रूप यहाँ पर देना है भव्य रूप। स्टेज है, आपको दिखाऊं, ड्रोन्स वगैरह लगातार उड़ रहे हैं और स्टेज से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। और ये सामने चेयर्स आप देख रहे हैं, पुलिस वालों ने भी बहुत मेहनत करी है, पुलिस वाले लगातार यहाँ पर स्टेशन रहे, 3 दिन से लगातार यूपी पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही 12 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे।
डिप्टी सीएम कौन होंगे, क्या दो डिप्टी सीएम होंगे, केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्या इसका ऐलान होगा, इन तमाम बातों पर कयास खूब लगाए जा रहे हैं। कौन होगा जो कि विधानसभा अध्यक्ष होगा, कौन कौन मंत्री परिषद में आएंगे और कौन कौन लोग ड्रॉप किए जाएंगे, इसकी भी चर्चा इस वक्त इस गलियारे में खूब चल रही है। मौका ऐतिहासिक है, लिहाजा पूरे लखनऊ को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। गली गली चौराहे चौराहे ऐसे ही केसरिया कटआउट लगाए गए हैं, ऐसे ही केसरिया पोस्टर लगे हुए हैं। आज पूरे लखनऊ को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। जो प्लास्टिक के कटआउट लगाए गए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ का कटआउट, अमित शाह का कटआउट और इसी तरीके के जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं के जो भाजपा के उनके कटआउट लगाए गए हैं, पूरे अन्य चौराहों को कपड़े से यानी कि केसरिया रंग से पूरी तरीके से रंग दिया गया, कवर कर दिया गया है। जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए और लिखा गया है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को, और इस तरीके की ये पोस्टर्स लगाए गए। दिल्ली से लखनऊ जाने वाले रास्ते और लखनऊ में इकाना स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर दिखते हैं कमल वाले झंडे, कमल वाले पोस्टर और यूपी की तरक्की का खाका खींचते बैनर।